मम्मी आए आके नाश्ता कर ले। अच्छा बेटा अभी आती हूँ। ये बताओ कि कहीं जा रही हो क्या? हाँ मम्मी नाश्ते पे जा रही हूँ। नुमान भी अभी कहीं और नाश्ता कर रहे हैं आज। बेटा किसी दिन तो घर पे रुक जाया करो, रोजाना कहीं ना कहीं का प्रोग्राम बना लेती हो तुम। मम्मी आप जानती है ना मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है, अब वो सब मुझे कहती है कि तुम्हारे बगैर तुम महफिल ही नहीं सजती, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारे बातें करने का अंदाज, मुझे जाना है ना। अच्छा चले आप नाश्ता करो। ठीक है। अम्मी जान मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। क्या बात है, आप परेशान हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा बस ठीक है तबीयत मेरी। ये बताओ कि तुम शाजिया को बेटा समझाते क्यों नहीं हो? रोजाना कहीं ना कहीं का प्रोग्राम बना लेती है, इतनी फजूल खर्ची करती है और वक्त का भी इतना ज़ियां है। समझाता तो हूँ अम्मी जान, कहाँ सुनती है मेरी वो। और बेटा वैसे भी हमारा मजहब इजाजत नहीं देता इस दिखावे की, हमें चाहिए कि सादगी को अपनाएं, कनात पसंद हो। आप परेशान हो, मैं बात करूंगा उससे। ठीक है आप बैठे, अल्लाह हाफिज़। शाजिया चलो ना, देर हो रही है। हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी, as usual। बिल्कुल नया स्टाइल है, कल ही लॉन्च हुआ, कल ही ले लिया मैंने। पता नहीं क्या खप सवार है तुम पर, हर रोज नए कपड़े पहनती हो, वार्डरोब भरी पड़ी। अच्छा बस बहुत हो गया, चले आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अजी। वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। आप कहीं जा रही हैं जी? वो मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो। मुझे पुराने मोहल्ले में काम मिल गया है तो मैं कल से 2 बजे वहाँ चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभार आप देर तक रुकने का कहती है ना, तो मैं कल से दोपहर से शाम तक वहाँ रहूंगी। अच्छा ना ठीक है, अभी टेंशन मत दो, तुम बस अम्मी को खाना दे देना। चल नहीं समीना, मैं कुछ भी सेल से नहीं लेती। नहीं ना, अच्छे कपड़े नहीं होते हैं सेल पे, सारे पुराने डिजाइन ये लोग रख देते हैं सेल पे, और सारी औरतें इस तरीके से झपट्टा मार रही होती हैं कि इंसान को कुछ नजर भी नहीं आता, कुछ ट्राई नहीं कर पाते, फायदा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे भाई हिना की पार्टी है, उसके लिए तो लूंगी ना मैं कल। ठीक है मैं तुमसे वहीं पे मिलूंगी। ओके ओके बाय। कितनी लंबी बातें करती हो तुम, कब से चाय का कहा था तुम्हें? सब जलती हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे तस्वीरें शेयर करती हैं कि ये लिया है ये पहना है, लेकिन मजा लेके कभी मुंह पे तारीफ कर लेंगी? ऐसे भी इनमें से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारी सारी फ्रेंड्स अच्छी खाती पीती फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, उनके लिए कुछ अफोर्ड करना मुश्किल तो नहीं होगा? बात मुश्किल की नहीं है, बात यह है कि सब कंजूस है, कोई खर्च ही नहीं करना चाहता। अब आप खर्च नहीं करेंगे तो अच्छे कैसे लगेंगे? बस दूसरे को देख के हसद करनी है, लालच करनी है, लेकिन पैसे नहीं खर्च करने। कंजूस है अपने शौहरों के हाथों मजबूर, क्योंकि हर किसी का शौहर मुझ जैसा दिल वाला तो नहीं होगा जो हर महीने शॉपिंग के लिए हजारों में। मैं हर दफा तो आपसे पैसे नहीं लेती, अपने पॉकेट मनी से भी तो लेती हूँ मैं। तो पॉकेट मनी कौन देता है? जता रहे मेरी जरूरत। चले मैं चाय लेकर। मम्मी जल्दी से जूस पी लें फिर मैं आपको दवाई देती हूँ। जीती रहो बेटा। वाह शरीफा आज तो बड़ा अच्छा जोड़ा पहना है तुमने। बाजी मुझे जो नया घर मिला है ना उन्होंने दिए हैं बहुत सारे कपड़े, कुछ तो बिल्कुल नए, एक बार भी नहीं पहने। ये तो आजकल बेटा समझ में नहीं आता, औरतें कितनी फजूल खर्ची करती हैं, महंगे महंगे जोड़े सिलवा लेती हैं और एक बार पहन के आगे बढ़ा देती हैं।
मम्मी आजकल का दौर ऐसा ही है, अगर आप एक जोड़ा दो दफा पहनते हैं ना तो लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। बेटा ये सब दिखावे की इज्जत देरपा नहीं होती, और फिर लोग तो बस मुंह पे तारीफ कर देते हैं, असल इज्जत तो होती है इंसान के आला इखलाक और किरदार से, जो कि देरपा होती है। तुम लोग देखो दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हो, कल को अगर ये पैसा ना रहा तो फिर कैसे दिखावा करोगे और कौन इज्जत करेगा? मम्मी कल की कौन सोचता है, आज तो हमारे पास सब कुछ है ना, और वैसे भी दिखाते तो वही लोग हैं ना जिनके पास होता है, मेरे पास तो सब कुछ है तो मैं क्यों ना दिखाऊं? बेटा मैंने तो बस अपनी उम्र और तजुर्बे की बात की है, वैसे भी तुम देखो हमारा मजहब सख्ती से ताकीद करता है फजूल खर्ची ना करने की। अच्छा मम्मी मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं यार, तुम्हारी तरह हर पार्टी के लिए नया ड्रेस तो नहीं लेती, हाँ लेकिन किसी खास पार्टी के लिए लेना पड़ता है। यानी निदा की पार्टी की तैयारी हो रही है? जाहिर है यार, हमारे सर्कल की काफी खावतीन आएंगी, अब ड्रेसिंग तो अच्छी होनी चाहिए ना। तुमने क्या लिया? पार्टी में देख लेना। जानती हूँ तुम्हें हमेशा सरप्राइज देने का बहुत शौक है, यूनिक जो रहना चाहती हूँ। वो तो है, अफोर्ड जो कर सकती हूँ। अच्छा चलो बाद में बात करूंगी, ठीक है, बाय। खुदा हाफिज। देखती हूँ कब तक चलता है इसका ये दिखावा, कभी तो शौहर इसका हाथ खींचेगा, फिर मुंह छुपाती फिरेगी। और नए जोड़े के साथ ना मुझे नए जूते भी मिल गए, दूसरे कमरे में पड़े, मैं भी लेकर आती हूँ। है क्या निदा के घर में, किस सिलसिले में पार्टी है? उसका बेटा क्लास 3 में फर्स्ट आया। कोई इतनी बड़ी तकरीब तो नहीं है शादियां, अमीन कोई मंगनी शादी तो नहीं है जो तुमने इतनी महंगी शॉपिंग कर ली? नुमान आप जानते हैं ना कि मैं हर महफिल में सबसे ज्यादा अच्छी और मुनफरिद लगती हूँ, यही मेरा रिकॉर्ड है, मेरे जैसा स्टाइल किसी के पास नहीं। किसी अच्छी चीज के लिए रिकॉर्ड बनाया जाए तो समझ भी आता है। कुछ कहा? मैं कुछ कह सकता हूँ, जूते लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक है अल्लाह का शुक्र है। एक मिनट रुको। जी ये जोड़ा कहाँ से है? जी निदा बाजी ने दिया है, बिल्कुल नया, दर्जी ने खराब कर दिया था। निदा बाजी? जी वही जिनके घर में मैं काम करती हूँ। जो ब्लॉक बी में निदा रहती है उसके घर तुम काम करती हो? जी जी वही जिनके बेटे ने फर्स्ट पोजीशन ली है, उन्होंने मुझे बहुत सारी मिठाई भी दी थी। इतनी चालाक है ये निदा, मुझे खबर तक नहीं होने दी और मेरे घर की काम वाली को उसने अपने पास रख लिया। क्या हुआ शाजिया? मम्मी आपने इसका जोड़ा देखा? हाँ क्यों? बिल्कुल वही है जो कल मैं लेकर आई हूँ निदा की ही पार्टी पे जाने के लिए। अरे नहीं बेटा, इतना महंगा सूट कौन देगा भला इसे? मम्मी इसने अभी बताया है कि निदा ने दिया है, ये उसके घर काम करती है। अरे बेटा दिया होगा उसने वैसे ही सूट, लेकिन उसकी नकल है तुम देखो तो। और फिर निदा उसको इतना महंगा सूट कैसे दे सकती है? वो दे सकती है मम्मी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, और अब मुझे देख के हर किसी को ही शौक चढ़ रहा है नई नई चीजें लेने का। अरे छोड़ो बेटा, निदा की मर्जी उसने दे दिया, तुम तो इतने चाव से लेकर आई हो अपना सूट, अब उसको खुशी खुशी पहनो। मम्मी आप कह रही हैं कि मासी ने जैसा सूट पहना हुआ है वैसा ही मैं पहन के जाऊं निदा के घर, और निदा ने ही उसको ये जोड़ा दिया है। अच्छा बेटा जैसा दिल चाहे तुम्हारा करो, मैं जा रही हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। शरीफा, शरीफा जी, मैं जी।
तुम आज से घर जा सकती हो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन बस कह दिया ना हमें मासी की, अब जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। Really? अम्मा बता रही थी तुमने शरीफा को काम से निकाल दिया। हाँ निकाल दिया। क्यों? वो तो बहुत अच्छी मुलाजमा थी, इतने अरसे से हमारे साथ थी, काम भी ठीक करती थी। कोई अच्छी नहीं थी वो, बिल्कुल भी सही काम नहीं करती थी। नए नए घर पकड़ने के चक्कर में थी, सिर्फ 2 बजे तक बैठती थी यहाँ पे। अब मैनेज कैसे करोगी? पता है ना आजकल कितना मुश्किल काम है मुलाजमा का मिलना। कर लूंगी मैं मैनेज, 2-3 जगहों पे बोल दिया है मैंने, 1-2 दिन में आ जाएगी। बेटा तुम इतनी मसरूफ रहती हो, तुम्ही को परेशानी होगी, सारा घर का काम सर पे पड़ जाएगा। नहीं होगी मुझे परेशानी, आप दोनों बस परेशान मत होइएगा। मम्मी जान मुझे तो हैरत हो रही है, शरीफा को इस बात पर निकाल दिया कि उसने निदा के यहाँ नौकरी शुरू कर दी। तुम जानते तो हो बेटा इसकी वजह, अल्लाह रहम करे, बस इसका जुनून पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। रमान सुने, हैदर की शादी अब बहुत करीब आ रही है। हाँ तो ठीक है, तैयारी कर लो, मैं सीट्स करवा देता हूँ। तैयारी कैसे होगी, आप पैसे तो दें। पैसे? गिफ्ट्स तो पहले से लेके रखे हुए हैं, तो फिर रमान मैं गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही, मैं अपनी शॉपिंग की बात कर रही हूँ। शॉपिंग? हाँ शॉपिंग। आप इतनी हैरानी से क्यों पूछ रहे हैं? शादी है तो कपड़े नहीं बनवाऊंगी क्या? क्या हो गया शाजिया, अभी चंद माह पहले तो तुमने हेरा की शादी के लिए इतने महंगे कपड़े लिए थे, सब डिजाइनर सूट्स थे। वो मैं पहन चुकी हूँ। नुमान आप कह रहे हैं मैं पहने हुए सूट दोबारा पहन लूँ? वो तुमने कराची में पहना था, ये शादी रावलपिंडी में, वो लोग यहाँ पर आए नहीं, उन्होंने नहीं देखे ये सूट्स। हाँ ठीक है वो लोग यहाँ नहीं आए थे, लेकिन यहाँ की फैमिलीज तो वहाँ जाएंगी ना, उन्होंने तो देखा हुआ होगा ना। God's sake, please इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाओ। इंसान की इज्जत कपड़ों से नहीं होती है, जो आपसे प्यार करते हैं ना वो ये नहीं देखते आपने कपड़े कितनी बात करें। रमान मैं अभी प्यार की बात नहीं कर रही, मैं अपनी इमेज की बात कर रही हूँ। हर कोई जानता है कि मैं कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करती, और आप कह रहे हैं कि अब मैं रिपीट करूँ। नहीं, मैं आपकी वजह से अपना रिकॉर्ड नहीं खराब करूँगी। वो तो खुदा ने मुझे बचा लिया, वरना सोचो मेरी कितनी बेइज्जती होती। जो आउटफिट मैंने पहनना था वो निधा की मेड को पहना हुआ था। जितना गुस्सा आया ना मैंने फौरन से उसे निकाल दिया। खामखा की जासूसी करती है वो निधा की, और वो निधा उसको तो हर वक्त यही मालूम करना होता है कि शाजिया कौन सा आउटफिट पहन रही है, ताकि मैं भी जाके वही खरीदूं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, अव्वल नंबर की कॉपी कहते हैं। हाँ ना, अरे भाई अपना फैशन सेंस ढूंढो, मेरे पीछे पड़ी रहती है। तनवीर भाई, तनवीर ये ड्राइवर कहाँ रह गए? ओ तुम शाजिया कैसी हो? हाय मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? लग रही हो, ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पे, है ना? थैंक्स। और कहाँ का प्रोग्राम है आज? मेरे कजिन का बर्थडे है, उसी के लिए शॉपिंग जा रही। ओ फिर तो बहुत जबरदस्त शॉपिंग होगी तुम्हारी, और तुम्हारा तो रिकॉर्ड है कि तुम डिजाइनर ड्रेसेस ही वेयर करती हो, और डिजाइनर ड्रेसेस के अलावा तुम कुछ पहनती नहीं हो, और एक बार के पहना में तुम दोबारा नहीं पहनती। हाँ ये मेरा रूल है, मैं कोई भी चीज़ दो बार रिपीट नहीं करती। लेकिन ये सूट तो मुझे पहना हुआ लग रहा है, आई थिंक पिछले माह मिसेस सज्जाद के मिलाद में पहना था, मुझे याद आ गया। नहीं नहीं ये तो कल ही बन के आया है, बल्कि कलर यही होगा। चलें ठीक है, ओके बाय बाय। बस क्यों आ गई? पता नहीं क्या हो जाता है इस लड़की को। मम्मी मैंने आपको जो गरीबों को देने के लिए कपड़ों का बैग दिया था ना, उसमें ये भी डाल दें।
लेकिन बेटा ये जोड़ा तो बिल्कुल नया है। बस मुझे नहीं पहनना। अरे मेरी बात तो सुनो। भाई इस दफा तो मैंने खास एहतमाम किया है, आमिर से एक मोटा अमाउंट लिया है, बड़ी अच्छी तैयारी करने वाली हूँ। अच्छा क्या लेने का सोच रही हो? ये तो एक सीक्रेट है, पार्टी वाले दिन खुद ही देख लेना। अच्छा इसका मतलब है धमाका होने वाला है। कम ऑन शाजिया, तुम्हारे सामने कौन धमाका कर सकता है? वैसे ये तो है। मैं पता है मैं अपना कोई भी आउटफिट ना मार्केट से नहीं उठाती, मैं खड़े होकर खुद उसको कस्टमाइज करवाती हूँ डिजाइनर के साथ। मैं नहीं चाहती कि मेरा आउटफिट जो है वो किसी और जैसा हो, बिल्कुल तो यूनिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। वाह भाई क्या बात है, तुम्हारा तो एक रिकॉर्ड है। हाँ और ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, बल्कि मैं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आऊंगी। शाजी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, कभी कोई मजबूरी हो गई तो? क्यों आएगी मजबूरी, अल्लाह ना करे। मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा बिजनेस है, लाखों देता है वो मुझे पॉकेट मनी के लिए, क्यों आएगा बुरा वक्त? ओ फिर तो तुम इस ग्रैंड पार्टी के लिए बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रही होगी। यस एज ऑलवेज। देखना मैं क्या पहन के आऊंगी, बल्कि तुम दोनों तो देखते ही रह जाओगे। अच्छा शाजिया तुम एक दफा ड्रेस पहन के दोबारा नहीं पहनती तो एक काम करो मुझे दे देना। हाँ ठीक है ले लेना, मैं तो वैसे ही अपने कजन्स को दे देती हूँ। ओहो निदा तुमने कह दिया वरना ये तो मैं तुमसे कहने वाली थी। कोई बात नहीं अगली दफा तुम ले लेना ठीक है। थैंक यू शाजिया यू आर द बेस्ट। अच्छा तुम लोग ये जूस पियो मैं भी पाती हूँ। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं ठीक है? ज्यादा डाले ना? हाँ हाँ ज्यादा ही किए हैं। अच्छा अम्मा चलता हूँ मैं। अच्छा बेटा खुदा हाफिज़ अल्लाह ने गिवान। अच्छा सुने सुने कल जल्दी आ जाइएगा, रानिया की पार्टी पे जाना है। कल सुबह याद दिलाना। नहीं मैं आपको अभी इसीलिए याद दिला रही हूँ कि आप ऑफिस में अभी जाके कोई अपनी मीटिंग नहीं स्केड्यूल करिएगा। जानता हूँ कितनी एक्साइटेड हो तुम इस पार्टी को लेकर। पूरे कराची की बुटीक्स की खाक चालनी तुमने एक ड्रेस के लिए। शाजिया बेटा तुमसे एक बात कहूँ बुरा नहीं मानना। देखो बेटा जिस मुकाबले की दौड़ में तुम जा रही हो ना उसमें हमेशा तुम्हारी हार होगी, कभी जीत नहीं पाओगी। मम्मी आपको नहीं पता आप घर में रहती हैं ना, आजकल लोगों की इज्जत अच्छे कपड़े महंगे मोबाइल और नए नए मॉडल की गाड़ियों में ही है। लेकिन बेटा अगर किसी के पास ये सब हासिल करने की सकत ना हो तो? मम्मा उनकी कौन बात कर रहा है, वो तो वैसे ही मुकाबले में नहीं आते ना, वो तो दाल रोटी में खुश हैं। लेकिन बेटा ये दिखावे की जिंदगी तो बहुत मुख्तसर है, तुम जरा हकीकत की दुनिया में रहना सीखो। मम्मी मैं जिन लोगों में उठती बैठती हूँ ना वहाँ ये सब करना जरूरी है, वरना मैं नहीं उनसे मिल सकती। पर बेटा अच्छा छोड़े मुझे बहुत काम है मैं जा रही हूँ। इसको हिदायत दे इस बच्ची को, किस दौड़ में ये भागी चली जा रही है। क्या हुआ खैरियत? अमान प्राइकलीन ने मेरा नया नया सूट चला दिया। कौन सा नया वाला? हाँ, जो कल मैंने पार्टी के लिए अभी अभी बनवाया था वो चला दिया उन्होंने। Oh my God, क्या जरूरत थी ड्राई क्लीनर को लेने की, खुद प्रेस कर लेती, इतना महंगा सूट जला दिया। आपको महंगे और सस्ते की पड़ी है, आप ये नहीं सोच रहे कि मेरा क्या होगा, इतनी मेहनत से बनवाया था उन्होंने जला दिया, और मेरे इमेज का क्या होगा, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है नुमान। उनमें से कोई सूट निकाल के पहन लो ना जो पिछले हफ्ते तुमने शादी पर पहना था, तुम्हारी दोस्तों ने तो देखा नहीं होगा, फैमिली गैदरिंग थी। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ और क्या उन्हीं में से पहन लो। हाँ ठीक है उनमें से निकाल, लेकिन अमान अगर उनको पता चल गया कि ये पहना हुआ है तो?
कैसे पता चलेगा? अभी पिछले हफ्ते ही तो शादी हुई, अभी तक तो तस्वीरें भी नहीं आई। हाँ, गुड आइडिया, मैं भी निकालती हूँ। थैंक यू। कहाँ रह गई है यार ये? निधा, शाजिया को कॉल करो ना। हाँ, मैं कॉल कर लेती हूँ। पर कितनी देर लगाएगी? हेलो यार शाजिया, हम तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हुए हैं। ओके, आ रही है, देखते हैं आज क्या ड्रेसिंग करके आएगी। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखो निधा, शाजिया की पिक। वाओ, ये ड्रेस कितना हसीन लग रहा है ना। कि किसी कजन ने अपलोड की है, उससे टैग भी किया। ड्रेसिंग का कितना सेंस है ना उसको। मुझे लगता है कि ये ड्रेस भी उसने खुद ही डिजाइन किया होगा। हर मौके के लिहाज से ड्रेसिंग आती है। हाय, देख के दंग रह गए ना, अच्छी लग रही। तुमने खुद डिजाइन करवाया ये ड्रेस? हाँ, मैंने बनवाया, लेकिन मेरा डिजाइन नहीं है, शहर के सबसे बड़े डिजाइनर से बनवाया। ओह, मतलब अभी बनवाया है? हाँ, इस पार्टी के लिए बनवाना तो था ना। मैं दोबारा रिपीट तो नहीं करूंगी। वैसे भी मैं कोई भी चीज एक दफा पहन के बस फिर कचरे में फेंक देती। आई सी। तो तुम्हें ये क्या है? तुम तो एक दफा ड्रेस पहन के कचरे में फेंक देती हो ना, तो फिर ये क्या है, कचरे से उठाकर पहना है? अरे नहीं निधा, कभी कभी कचरे से उठा के भी पहनना पड़ जाता है। कभी पहनती नहीं हूँ, कभी पहनती नहीं हूँ, हर दफा रिपीट करती होगी। नहीं नहीं, मैं तो कभी भी रिपीट नहीं करती। बेटा, ये सब दिखावे की इज्जत देरपा नहीं होती, और फिर लोग तो बस मुंह पे तारीफ कर देते हैं। असल इज्जत तो होती है इंसान के आला इखलाक और किरदार से, जो कि देरपा होती है। तुम लोग देखो, दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हो, कल को अगर ये पैसा ना रहा तो फिर कैसे दिखावा करोगे और कौन इज्जत करेगा? आप ठीक कहती थी मम्मी, मैंने इस दिखावे के लिए लाखों रुपया लुटा दिए। दिखावा मैंने किसके लिए किया? उन कमजरफों के लिए जिन्होंने दिल खोल कर मेरी बेइज्जती की है। दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। अगर यही पैसा मैं किसी जरूरतमंद को दे देती तो शायद वो मेरी इज्जत करता, पीठ पीछे तारीफ करता, और अल्लाह भी इसका अजर देते मुझे। मैंने तो बहुत नुकसान का सौदा किया है। बेटा, तुम्हारी बीवी का कुछ गुस्सा कम हुआ या वैसे ही मुंह बनाए बैठी हुई है? पता नहीं अम्मी जान, मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, जो जी चाहे करे। बच्ची थोड़ी है जो बार बार डांट के समझाए उसे। बेटा, खैरियत तो है, तुम कहाँ जा रही हो? किसी फलाई अदारे में ये कपड़े देने जा रही हूँ, आखिर इनका भी तो हिसाब देना है ना। मैं, अरे बेटा,
ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही, और वैसे भी अल्लाह की राह में देने से बड़ा तो कोई अमल है ही नहीं। पर देखो बेटा, मेरी तुम्हें एक बात याद रखना, जो लोग जिंदगी गुजारते हैं ना दिखावे की, कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते सिवाय रुसवाई के। जी मम्मी, हम मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि दिखावे से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय रुसवाई के।